और समाजवादी पार्टी दोनों के गठबंधन की घोषणा 27 अक्टूबर को इसी मैदान पर माननीय अखिलेश जी आएंगे और हमारे मोर्चे के सभी साथी रहेंगे। यही घोषणा होगी, यही पंचायत होगी जनता के बीच में। कितने लोगों को, कितने दलों को जोड़ा जा रहा है इसमें? हमारे साथ 12 दल हैं, 11 थे 12 हो गए। कौन कौन से हैं वो? अब वो दल हमारे बीच में अनिल चौहान जी बैठे हुए हैं, इनका जनता उन्नत पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति हैं, बाबू रामपाल हैं, रामसागर बिंद हैं, रामकरण कश्यप हैं, आपके बाबू सिंह कुशवाहा हैं, कृष्णा पटेल हैं और सतीश बंजारा हैं, गुलाब खंगार हैं और राजन अर्कवंशी। ये इतने लोग ओवैसी जी का नाम नहीं लिया आपने? ओवैसी जी भी हैं, ओवैसी जी भागीदारी मोर्चा में, मैंने उनका मंच साझा किया है। और सुखपाल जी हैं क्या? सुखपाल जी रथ लेके निकले हैं, अब चल दिए हैं, 27 तक इंतजार करिए। अच्छा, 27 को कौन कौन आ रहा है भाई? बड़े नेता तो बता दिया मैंने कि माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ आएंगे। आप लोगों के बीच में हमारे नेताओं द्वारा चर्चा रही कि दो हेलीकॉप्टर उतरेगा, मऊ में बड़ी चर्चा थी। हम उसी फिराक में लगे हैं कि दोनों हेलीकॉप्टर आ जाए। जमीन घिरवा दिए हैं, आवाज़ एक का वो प्रोटोकॉल आ गया है, दूसरे का कल आ जाएगा। तो दो हेलीकॉप्टर में अब सोच लीजिए कितने लोग आ सकते हैं। मुख्तार अंसारी किधर जाएंगे? आप जिधर रहेंगे उधर जाएंगे। नहीं, ऐसे चर्चाएं हैं, ऐसे चर्चाएं हैं कि जो विषाद जो बिछाई जा रही है पूर्वांचल में, ये मुख्तार अंसारी के लिए सब की जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर डायरेक्ट टिकट ना देके आपके पार्टी के माध्यम से मुख्तार को टिकट देने की बात चल रही है। नहीं, नहीं, क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मुख्तार और अतीक है मुसलमान, इस नाते सब लोग उंगली उठा देते हैं, लेकिन हम पूछते हैं कि ब्रजेश सिंह का है, साधु हैं, भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं, धनंजय सिंह हैं, उनकी पत्नी अभी चेयरमैन योगी जी ने बनाया है, सीट थी अपना दल को, अब बुला करके समझा दिया कि नहीं तुम हट जाओ वहां से, बैक हो गई, ये आपके सामने है धनंजय सिंह, राजा भैया, खाली मुख्तार अपराधी दिखते हैं सबको, यही माफिया है, उनसे बड़े बड़े माफिया, हिम्मत नहीं है सरकार की। हम तो कहते हैं आपके माध्यम से सरकार की हिम्मत हो तो माफियाओं की सूची जारी करें जरा, तो देखिए कौन आता है एक नंबर पर, बुलडोजर चलेगा, अहिर गड़ेरी कुनबी कोरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी के यहाँ, मुसलमान के यहाँ, जोला दुनिया अंसारी के यहाँ, लेकिन ब्रजेश सिंह के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, अभय मिश्रा के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। 5-9 हत्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं उठाता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती। अभी कोई गरीब चाहे कोई पत्रकार सही बात दिखा दिया, मिर्जापुर में पत्रकार मिड डे मील में रोटी और नमक खिलाया जा रहा है, जेल भेजवा दिया, इतनी बड़ी जोश है सरकार को, लेकिन वहीं 9-9 लोगों की हत्या हो रही है, अभी सरकार की नहीं लोक रहा है। बलिया में पाल की हत्या हो रही है, अपराधी को बचाया जा रहा है, बागपत में अपराधी को बचाया जा रहा है, हाथरस में बेटी के साथ रेप होता है, 12 बजे लाश जलाई जाती है, अपराधी को बचाया जा रहा है। जितने अपराधी हैं, SP इटावा के SP को थप्पड़ मारता है भाजपा का नेता, जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। आप बंगाल देखिए, बंगाल में चिट फंड कंपनी, पूरे देश में भाजपा ने बाजा बजाया और उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से अपराधी हिलते हैं, उधर से क्लीन चिट होके निकलते हैं। तो मुख्तार के अभी आपके साथ हैं? 24 करोड़ जनता हमारे साथ आने को तैयार है। 27 तारीख के बाद देखिएगा ना, आप लोग भी नहीं मिल पाएंगे, ठेल देंगे पीछे सर। नहीं, ये चर्चाएं रहती हैं, जैसे चर्चाएं हैं पूर्वांचल पे मुख्तार का बड़ा प्रभाव रहता है हर सीट पर, जिस तरह आपका प्रभाव है हर सीट पर, उसी तरीके से मुख्तार का भी प्रभाव है। देखिए, मऊ की जनता 5 बार से MLA बना रही है, अगर उस व्यक्ति का जनता में पहचान नहीं होती, पकड़ नहीं होती, लोगों के साथ सुख दुख में उसके लोग शामिल नहीं होते, तो फिर उस क्षेत्र की मऊ सदर की जनता उसको वोट क्यों देती है? नहीं देना चाहिए। और मैं कहता हूं कि मुख्तार को जिताने वाले वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जितवाती है, मैं गवाह हूं। हमारे सामने कोई नेता आवे, 24 लोग टिकट मांग रहे थे यहाँ, आज इसमें 16 लोग मुख्तार को वोट दिला रहे थे, भाजपा के नेता, ये कहा बती आएंगे? ये इसके अलावा कोई नहीं रहेगा, क्यों, क्या वजह? बगल में बैठे हुए हैं अनिल चौहान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता उन्नत पार्टी के,
और हमारे नेता सभी फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में सभी साथी आपको 27 अक्टूबर को मंच पर मिलेंगे। कितने कितने कौन सभी से तात्पर्य कौन कौन रहेंगे? देखिए हमारे मोर्चे में प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, बाबू रामपाल जी हैं, राम सागर बिंद हैं, रामकांत कश्यप हैं, किशोर पटेल हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, अनिल चौहान जी हैं, आपके गुलाब खंघार हैं, सतीश बंजारा हैं, आपके राजन रघुवंशी, ये सभी लोग हमारे मोर्चे। क्या आपके संगठन के लोग भी मंच पर नहीं रहेंगे? आज से तो कब्जा कर लिया, तो ऐसे ही रहेंगे। 27 तारीख को जो आपके दिल में आग जल रही है, 27 तारीख को इसी मंच पर आप लोग फोटो कीजिए। 27 को ना बता रहा है फोटो कीजिए। क्या वजह रहा ऐसा कदम उठाना पड़ा आपको कठोर? क्या वजह रहा? जब देश और प्रदेश गठबंधन के दौर में गुजर रहा है, हम लोगों ने 11 दलों का गठबंधन बनाया। बलिया से हम लोगों ने शुरू किया, बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर और इलाहाबाद तक कार्यक्रम करते करते कोरोना जैसी महामारी देश में आ गई, उसमें सभी लोग अब तंग हो गए। हमारा मोर्चा फिर मेहनत किया, हम लोग मुकाम तक पहुंचने की कोशिश की। जनता बदलाव चाहती है, जनता की तरफ से ये बात आई, सुझाव आया हमारे यहाँ कि नेताजी आप समाजवादी पार्टी से समझौता करिए। तो हमने बीच में लोगों से बातचीत की, बताया लोगों ने, तो जो बदलाव प्रदेश की जनता चाह रही है उसके मन के मिजाज से हमने समाजवादी पार्टी को साथ लिया। आपने सबका नाम लिया लेकिन शिवपाल यादव जी का नाम नहीं लिया? अब इसके संघ ही करना जाने का नाम लिया ही। स्टेज पे देखेंगे अखिलेश जी के साथ गठबंधन किए, लेकिन क्या आपने नया शर्त रख दिया उनके सामने कि वो परेशान है? कौन परेशान? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा के, उन्होंने क्या आपने जो है कोई परेशान नहीं? परेशान कहाँ है? देखिए हम लोग देश में जातिवार जनगणना, पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हम लोग जातिवार जनगणना करने के लिए राजी हैं। प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए राजी हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए राजी हैं। गरीबों का इलाज फ्री में करने के लिए राजी हैं। जो प्रदेश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की राजनीति हो रही है उसको जड़ में हिलना पड़ता है। तो कुछ सफाई आपने किया? पता नहीं लगा। आप बता दें अभी राज्य बीजेपी कितने विधायक आपके संपर्क में? आप तो कहते हैं सरकार गिरवा देंगे। अभी खुलासा नहीं करेंगे। उनके कम से कम 1.5 दर्जन मंत्री हमारे संपर्क में हो गए हैं 20 तारीख के बाद से। ये हमारे लिए सीट सुरक्षित कराइए। और 150 विधायक संपर्क में है, रात को फोन करते हैं 11 बजे कि साहब हमारे चिटिया का हो, हम कहूँ गई सपा खाते में। चर्चा चल रही है। तो आपको सरकार गिर जानी चाहिए राज्यसभा विधानसभा की जो है, उसके बाद आपकी सरकार जो है फिर से जो है नए गठबंधन के साथ जब आए हैं तो आपको नया सरकार बनना चाहिए। ये समय संविधान अगर नहीं होता तो हमारा मोर्चा न योगी जी को कुर्सिया से उठा के अंतर कर देता। आप 27 को तस्वीर साफ होने की बात कर रहे हैं, तो क्या 27 की तस्वीर में भी ऐसा ही कुछ नजारा होगा? यहाँ पर सपा जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और तमाम पार्टियों के लीडर हैं, पर AIMIM से कोई नहीं नजर आ रहा हो वैसी की पार्टी से। आप बहुत चिंतित हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अपने दिल में जो आग सुलगा रहे हैं उसको ठंडा करिए, 27 को सब ठंडा हो जाएगा। चर्चा का विषय कि दारा सिंह चौहान बीजेपी छोड़ करके सभा में आने वाले हैं, तो आप तो सवाल का जवाब दे ही रहे हैं, आपने सवाल किया उत्तर दे ही। मतलब इसमें कुछ सच्चाई है भाई? ये बात तक खबर है तो हम जो कहते हैं वो तो मजाक लगता है, लेकिन उसकी खबर आज तक है ना। आप लोग संगठित हो रहे हैं लेकिन प्रियंका गांधी अकेले विपक्ष की भूमिका निभा रही है सड़क पे है, वजह क्या? हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा वाला के माई के लाल पैदा हो। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर से लड़ाई कौन किया? ओम प्रकाश राजभर। सदन में 403 विधायकों में अकेले ललकारा ओम प्रकाश राजभर। देश की सत्ता से, भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सत्ता से अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर। ये तो चुनाव आ गया, सब ड्रामा कर रहे हैं और कुछ एक तरफ बबुआ चल रहे हैं, मौका मिलेगा। एक तरफ बबुआ अपनी रथ यात्रा लेकर चल रहे हैं, दूसरे तरफ चाचा लेकर रथ यात्रा पीछे पीछे निकल रहे हैं, तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? ऐसा है ना कि लखनऊ के लिए कई सड़कें बनी हैं, अब ये कई सड़क पर तो बबुआ नहीं जा सकते, सब सड़क पर तो
साफ सड़क घेरा जा रहा है। क्या मान रहे, मौका मिले तो प्रियंका गांधी को भी गठबंधन में शामिल कर लिया जाएगा? ये बात का विषय है, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े तीन। नहीं तो देखिए, जो सच हम हमेशा सच बोलते हैं, सच बोलने का नतीजा क्या है? अगर हम सच कहते हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस ने देश में बहुत काम किया तो लोग तर्क लगते हैं कि अब कांग्रेस के साथ जाएंगे। जब हम कहते हैं कि लखनऊ में खड़ा हो जाइए, मायावती जी का काम दिखता है, तो लोग कहते हैं लगातार मायावती जी के साथ जाएगा। फिर मैं कहता हूं कि आप चलो आगरा, लखनऊ से निकलो आगरा एक्सप्रेस वे, तो अखिलेश का काम दिखता है। आप 1090 से नीचे उतरिए गोमती रिवर फ्रंट, अखिलेश जी का काम दिखता है। आप विधानसभा खड़े हो जाइए लोक भवन, अखिलेश जी का काम दिखता है। तो लोग तर्क वितर्क करते हैं, यार ये बोलता है यही की संघ जाएगा। सच कहता हूँ, आवाज भी सच कह रहा हूँ कि मऊ सदर की जनता 5 बार से एमएलए बना रही है ना, 1-2 बार से नहीं, 5 बार से। तो कहीं ना कहीं खासियत है तब ना लोग वोट देते हैं। तो मुख्तार के खिलाफ आप कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे इस बार? आप राजभर को अभी पढ़िएगा। अभिषेक।